नमस्कार, मैं रितिका वर्मा और आप देख रहे हो इंडिया न्यूज 24x7। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के भ्रमणशील संत सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार के लिए देश भर में भ्रमण पर महंत लक्ष्मण दास महाराज। वाराणसी रविंद्रपुरी मार्ग स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन मठ में महंत लक्ष्मण दास महाराज के नेतृत्व में चौमासा प्रवास के लिए वाराणसी पहुंचे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के भ्रमणशील संतों द्वारा वैदिक परंपरा के अनुसार विश्व शांति व जन कल्याण के लिए विशेष पूजन ध्यान और वैदिक परंपराओं का निर्वाहन अरदास पूजन किया गया। महंत लक्ष्मण दास महाराज ने बताया कि यह सभी संत सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार के लिए देश भर के भ्रमण पर निकले हैं। इस जमात में बड़ी संख्या में अखाड़े से जुड़े संत और महामंडलेश्वर की मौजूदगी है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के तपस्वी संत महंतों की भ्रमणशील देश भर में भ्रमण करती है। इसी क्रम में 4 महीने श्री दरबार साहिब में भी भ्रमण पर रहती है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की 4 धुरी पूर्व पश्चिमी उत्तर दक्षिणी है। इन्हें तपस्वी संतों का चौथा पिता तीर्थ माना जाता है। वैदिक परंपरा के अनुसार श्री दरबार साहिब प्रवास के दौरान वह विशेष पूजन ध्यान और वैदिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं। इसी कड़ी में आज यहाँ हाथरस में घटी हृदय विदारक घटना में स्वर्गवासी हुए लोगों की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की गई व विश्व कल्याण के उद्देश्य से विशेष पूजन अर्चन किया गया, जहाँ भक्तों ने अपनी अरदास लगाई। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24x7, वाराणसी। अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण भ्रमणशील मंडल मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा भ्रमणशील जमात मंडली पूरे भारत वर्ष में जितने भी उदासीन संप्रदाय के आश्रम मठ मंदिर अखाड़े गुरुद्वारे हैं एवं जितने भी अपने उदासीन अनुयायी हैं उन सब के वहाँ पे 12 वर्ष 14 वर्ष पे एक बार पहुँचती है और उनके द्वारा बड़े ही श्रद्धापूर्वक परम पवित्र भस्मलिंग श्री गोला साहब जी का पूजन करती है। उस पूजन में जो भी तिल भेंट पूजन आता है उससे हम लोग को मेले का संचालन करते हैं और समापन करते हैं। ये कर्म सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, हम सब लोग उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज ये काशी विश्वनाथ की नगरी में माता अन्नपूर्णा की नगरी में यहाँ पे हम लोग स्वाध्याय सुमरण भजन कीर्तन करते हुए सभी जनता नगरवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। देश में खुशहाल रहे, देश समृद्धशाली हो, देश में एकता अखंडता बना रहे, इसी तरह के अनेक शुभ मंगल कामनाएं करते हुए सब लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभ मंगल कामनाएं। हरिओम तत्सत। आज अब कुछ कहने के लिए बाकी ही नहीं रहा है, गोला साहब जी का प्रकाश हो गया और हमारी यही मनोकामना है कि समस्त जगत का मंगल हो, सभी जितने भी हैं सब सुखी रहें, उनका जीवन मंगलमय हो और आज हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हमारे श्री श्री 108 श्री सतपंच परमेश्वर पुजपाद अद्वैत जी हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन रविंद्रपुरी कॉलोनी में आकर के यहाँ पर 3 दिनों तक प्रवास किया और हम लोगों को अच्छे अच्छे रास्ता दिखाया कैसे हम लोगों का अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, किस प्रकार इस समाज में रह करके बुराइयों को दूर करते हुए और अपने जनमानस को सद्मार्ग में चलाएं, ये उन्होंने उद्घोष किया और यहाँ रह करके 2-3 दिनों से जैसे कुंभ मेले में जिस प्रकार से अनुभव होता है उस प्रकार हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि जैसे हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन रविंद्रपुरी कॉलोनी में कुंभ मेला लगा हो और हम यही कामना करते हैं कि इसी प्रकार हमारा श्री सतपंच परमेश्वर बार बार हमारे यहाँ आए और हम लोगों से जो भी सेवा हो सकती है वो हम इसी प्रकार करते रहें। यही भगवान बाबा श्री चंद जी से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार यहाँ हमारे भक्तों को
हमारी इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी सेवा भक्त लोग हैं, जिन्होंने भी इस पूज्यपाद अद्वैत के आने पे तन मन धन से जिस प्रकार से भी जो भी सहयोग हुआ, उनका भगवान बहुत बहुत मंगल करे और सब आप लोगों का, सभी लोगों का मंगल हो। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे ये कमांडेंट साहब हैं मिश्रा जी, इन्होंने हमारे लिए पीएससी बैंड की उपलब्धता कराई और इतना भव्य शोभा यात्रा यहाँ पे काशी में हमारी हुई। रामनगर से लेकर के रविंद्रपुरी कॉलोनी तक हम लोगों ने संतों की शोभा यात्रा निकाली और इन सभी लोगों के बड़े सहयोग से बहुत धूमधाम से बड़े ही आनंद पूर्वक यहाँ पे 4 दिनों का प्रवास श्री सतपंच परमेश्वर जी का हुआ। कल यहाँ से सुबह ये प्रस्थान करेंगे प्रयागराज के लिए। हम तो चाह रहे थे कि यहाँ 15 दिन पंच परमेश्वर रुके, पर समय की बाध्यताएं हैं और चातुर्मास का अब बैठना है, 4 महीने तक एक जगह रुक जाते हैं, हमारे बारिश के समय में हमारे संत लोग विचरण नहीं करते, तो अब जा करके 4 महीने के लिए प्रयागराज में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में अब 4 महीने वहाँ पर ये लोग रुकेंगे। और फिर जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा तो हम ये चाहेंगे कि अभी जब प्रयागराज से हमारी रम्मत चालू हो तो अभी बिहार रम्मत करने हमारा पंच परमेश्वर जाएगा, तो फिर हम फिर चाहेंगे कि हम एक बार फिर यहाँ पर बुलाएं और काशी में फिर स्वागत करें। और इसी प्रकार भक्तों को, संतों को, जो भी हमारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान करें, उनके जीवन मंगलमय हों, यही कामना करते हुए श्री चंद्र भगवान जी के चरणों में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज जी, महाराज जी, कल हाथरस में एक बड़ी हृदय विदारक घटना घटी है सत्संग में, क्या कहेंगे दोस्तों? हम बस इतना ही कहेंगे हाथरस के बारे में कि जो भी प्रोग्राम किए जाएं उनके लिए व्यवस्था उतनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, क्योंकि बड़ी ही श्रद्धापूर्वक हमारे जो भारत के जनमानस हैं, जो भी श्रद्धालु भक्त लोग हैं, वो लोग तो संतों के दर्शन करने के लिए सत्संग में जाते हैं। इस तरह की घटना, हम भी कल से बहुत दुखित हैं, परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों के भाई बहन माँ बाप बिछुड़ चुके हैं उनको संबल दे परमात्मा, और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। आज जी अपना शुभ परिचय देते हुए आज के भव्य आयोजन के बारे में। हम लोग श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का, मैं श्री महंत महेश्वर दास, हमारे साथ हैं हमारे मुखिया महंत दुर्गादास जी महाराज, हमारे मुखिया महंत अद्वैतानंद जी महाराज, और निर्माण मंडल संत समाज है। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का ये भ्रमणशील मंडली है, जो हम लोग संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं। 12 से 15 वर्ष के बीच में एक परिक्रमा पूरे देश का लगता है, जिसमें हम जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक और आपके सोमनाथ से लेकर के बंगाल तक, आसाम तक भ्रमण करते हैं। उस भ्रमण के काल में जहाँ जहाँ हमारे संत निवास करते हैं, उन संतों के आश्रम में कहीं 2 दिन कहीं 4 दिन निवास करते हुए, सत्संग प्रवचन करते हुए, धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए, आश्रमों का निरीक्षण करते हुए कि वो समाज के अनुकूल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, समाज सेवा के लिए संतों को प्रेरित करना, राष्ट्रभक्ति के लिए जनता को प्रेरित करना, ये सब करते हुए हम संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं। और इसी भ्रमण के काल में चारों कुंभ मेले भी आते हैं, तो उन चारों कुंभ मेलों में धर्म ध्वजा स्थापित करके बड़ी मर्यादा के साथ कुंभ मेला मनाते हैं। अब हम ये लोग यहाँ से प्रयागराज जा रहे हैं और वहाँ अब कुंभ मेले की तैयारी करेंगे, फिर जो है 2025 के जनवरी माह में कुंभ मेला है प्रयागराज का, पूर्ण कुंभ मेला, उसका भव्य आयोजन करेंगे। वहाँ भव्य छावनी बनाई जाती है, दिव्य रूप से प्रवेश स्याही स्नान स्याही आप तो जानते ही हैं, वो सारी मर्यादा पूर्वक निकालते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग अभी बिहार का भ्रमण करते हुए पवित्र पावन विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी परम्मा माँ भगवती गंगा जी की पावन कृपा से वाराणसी में पधारे। ये वाराणसी में हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की